हमारे चारों तरफ होने वाली रिएक्शन में जो भी कुछ हीट ट्रांसफर होती है वह सिस्टम की चेंज इन एंथैल्पी होती है। आई मीन टू से फॉर अ एक्सोथर्मिक For any exothermic process, chemical reaction, जिसके लिए हमने डेल्टा क्यू नेगेटिव लिखा है, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है और डेल्टा एच की वही वैल्यू होती है जो डेल्टा क्यू है। व्हाइल फॉर एनी एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है वहां डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है और डेल्टा एच की वही वैल्यू होती है जो डेल्टा क्यू है। For chemical reaction, instead of reciting heat transferred, we used to say change in enthalpy. Chemical physics में physical process के लिए हम heat transferred बोलते हैं। उसी heat transferred को thermochemistry में हम कहते हैं change in enthalpy. यदि चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि वह प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यदि चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि वह प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और अब हम स्टेट वन या स्टेट टू बोलने के बजाय कहते हैं रिएक्टेंट जिनकी एंथैल्पी है HR, रिएक्शन फिनिश हो जाती है एंड वी ऑब्टेन प्रोडक्ट जिसकी एंथैल्पी है HP. HR इज द टोटल एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट and HP is the total enthalpy of all the product and we used to say change in enthalpy during any chemical reaction is final enthalpy minus initial enthalpy. Or HP minus HR, sometimes we may also write it like this, it's summation of enthalpy of all the product minus summation of enthalpy of all the reactant. This is the change in enthalpy during any reaction, and that change in enthalpy during any reaction is heat transferred during that reaction. थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका बताता हूं। इसी एंथैल्पी टर्म को इस्तेमाल करके हम केमिकल रिएक्शन के दौरान थर्मोडायनामिक चेंज को डिस्क्राइब करेंगे। थर्मोकेमिकल इक्वेशन अब लिखने का तरीका हम सीखते हैं। हमें आगे जाकर यह भी समझना है
कि आखिर हमने यह नई थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस क्यों करी है। हम इसके पहले ऑलरेडी जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी सीख रखे हैं, क्या उससे थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती थी? क्या उससे थर्मोकेमिस्ट्री को सीखा समझा नहीं जा सकता था? मैं कहता हूं बिल्कुल ऐसा ही है। यदि अभी तक की थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी सिर्फ उन्हीं को हम लेकर चले और कुछ भी नई डेफिनेशन नहीं लिखें, तो सचमुच में थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने में, उनको पढ़ने में, उनको सीखने में, उनको समझने में और उनको फर्दर ऑपरेट करने में, उनसे और फर्दर कंक्लूजन ड्रॉ करने में काफी अधिक समस्याएं आ जाएंगी। कैसी समस्या आएंगी वह भी हम देखेंगे, और किस तरह से इस एंथैल्पी टर्म को इंट्रोड्यूस कर देने से इस चैप्टर को फर्दर पढ़ना और सीखना बड़ा आसान बन जाएगा, हम इस बात को भी समझेंगे। अब हम सबसे पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका सीखते हैं। अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, देखिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते समय सबसे पहली बात, इट शुड बी कंप्लीट एंड इट शुड बी बैलेंस्ड। राइटिंग अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन Whatever chemical change you are describing, it should be complete and it should be balanced. मतलब उसमें सारे सारे reactant और सारे सारे product दिखने चाहिए। न केवल सारे सारे reactant और product दिखने चाहिए, बल्कि वह reaction पूरी तरह से balanced भी होना चाहिए। For example, if this is a chemical change, A plus B giving you C and D. Now this is simply a chemical change जिसमें दो reagent आपस में react करते हुए दिख रहे हैं और दो product बनते हुए दिख रहे हैं। वह reagent किस ratio में react करेंगे, इसे समझाने के लिए हम इस reaction को balance करते हैं। जब हम reaction को balance करते हैं तो सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे कुछ कोएफिशिएंट दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि ए के आगे कुछ कोएफिशिएंट स्मॉल ए, बी के आगे कुछ कोएफिशिएंट स्मॉल बी, सी के आगे कोएफिशिएंट स्मॉल सी और डी के आगे कोएफिशिएंट स्मॉल डी। इस तरह से यह कोएफिशिएंट हमें दिखने लगे। नाउ वी रीड इट एज ए मोल्स ऑफ रिएजेंट ए वुड रिएक्ट विथ बी मोल्स ऑफ रिएजेंट बी in order to give you C moles of reagent C and D moles of reagent D. इस तरह से यह reaction हो रही है, reactant participate कर रहे हैं, product बन रहे हैं। After this, describing this chemical change, the thermodynamic change is always mentioned by the side of reaction. थर्मोडायनामिक चेंज को मेंशन करने के लिए, इस रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब या हीट लिबरेटेड डिस्क्राइब करने के लिए हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ प्लस माइनस साइन नहीं लगाते हैं। हम इस रिएक्शन के साइड में इस तरह से डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट एवर इज द वैल्यू। यदि वह एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो पॉजिटिव वैल्यू दिखेगी, और यदि वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव वैल्यू दिखेगी। व्हाट एवर इज थर्मोडायनामिक चेंज दैट इज ऑलवेज मेंशन्ड बाय द साइड ऑफ द रिएक्शन इन दिस मैनर। इस तरीके से हम थर्मोडायनामिक चेंज को साइड में इस तरह से मेंशन कर देते हैं। नहीं नहीं होता, अभी मैं अभी होल्ड करो इसी बात को। ये काम डेल्टा क्यू से नहीं होता, क्यों नहीं होता इन सब बातों को समझाऊंगा मैं ना। अब एक और बात,
क्या यह थर्मोकेमिकल इक्वेशन अभी कंप्लीट हो गई है? नहीं, अभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने यह बात पहले ही बताया है कि केमिकल रिएक्शन में यदि फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तो उस रिएक्शन के दौरान हीट लिबरेटेड या हीट एब्जॉर्ब्ड बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू H2O। यह H2O लिक्विड स्टेट में भी बनाया जा सकता है और यह H2O गैसियस स्टेट में भी बनाया जा सकता है। इन बोथ द रिएक्शंस हाइड्रोजन इज टेकन इन गैसियस स्टेट, वो हमेशा गैसियस स्टेट में ही होती है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो टेकन इन गैसियस स्टेट, दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट तो सेम स्टेट में है, हाइड्रोजन इन गैस स्टेट एज वेल एज ऑक्सीजन इन गैस स्टेट। बट द डिफरेंस इज इन फर्स्ट रिएक्शन H2O इज बीइंग फॉर्मड इन लिक्विड स्टेट व्हाइल इन दिस सिचुएशन H2O इज बीइंग फॉर्मड इन गैसियस स्टेट। इन दोनों सिचुएशन में H2O का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो अलग अलग फिजिकल स्टेट में हो रहा है। इस कंडीशन में, इस रिएक्शन में लिबरेट होने वाली हीट और इस रिएक्शन में लिबरेट होने वाली हीट, दे वुड डिफर इन मैग्नीट्यूड। इसमें कुछ और हीट लिबरेट होगी, इसमें कुछ और हीट लिबरेट होगी। मींस द थर्मोडायनामिक चेंज ऑलवेज डिफर विथ द वेरिएशन इन फिजिकल स्टेट of any reactant or product, and hence while writing any thermochemical equation it's mandatory to mention physical state of all the reactant and product। thermochemical equation likhte samay jitne bhi reactant hain aur jitne bhi product hain उन सभी का फिजिकल स्टेट कंपल्सरीली लिखा जाता है। बिना फिजिकल स्टेट के थर्मोकेमिकल इक्वेशन अधूरी कहलाती है, गलत कहलाती है। जिस तरीके से मैंने फिजिकल स्टेट इधर मेंशन करी है, बिल्कुल इसी तरह से मेंशन करेंगे। जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, यदि वह सॉलिड है तो इस तरह से ब्रैकेट में अंडरस्क्रिप्ट में एस लिख दिया जाता है। यदि कोई गैस है तो इस तरह से ब्रैकेट में अंडरस्क्रिप्ट में जी लिख दिया जाता है, और यदि कोई लिक्विड है तो इस तरह से अंडरस्क्रिप्ट में इस तरह से ब्रैकेट में एल लिख दिया जाता है। इन दिस मैनर वी यूज टू मेंशन फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट व्हाइल राइटिंग अ थर्मल इक्वेशन। बिना फिजिकल स्टेट के थर्मोकेमिकल इक्वेशन अधूरी कहलाएगी, गलत कहलाएगी। अब क्या अभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गई है? नहीं, अभी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन कंप्लीट नहीं। मैं एक और समस्या बताता हूं। यदि किसी रिएक्शन में सॉलिड का इस्तेमाल हो रहा है, नाउ सॉलिड में एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, सॉलिड अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार्बन को बर्न करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। कार्बन इन सॉलिड स्टेट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू CO2 गैस। नाउ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। सॉलिड कार्बन बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ गैसियस ऑक्सीजन विच इज इन एक्सेस। यह गैसियस ऑक्सीजन है और एक्सेस में, और सॉलिड कार्बन को इसके प्रेजेंस में जलाया जा रहा है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई जा रही है। नाउ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज ऑकरिंग।
अब मैं पूछता हूं क्या इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट लिबरेटेड हमेशा सेम होगी, हमेशा फिक्स होगी? नहीं, कभी नहीं। कार्बन जो कि सॉलिड है, इसके कई एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट एंड डायमंड। इस कार्बन को मैं डायमंड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता हूं, और मैं इस कार्बन को ग्रेफाइट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता हूं। डू द हीट लिबरेटेड रिमेन सेम इन बोथ द केस? नो, नवा। डायमंड को जलाने पर हीट लिबरेटेड कुछ और होगी, और ग्रेफाइट को जलाने पर हीट लिबरेटेड कुछ और होगी। मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा कि डायमंड को जलाने पर हीट लिबरेटेड इट्स ऑलवेज लेस, व्हाइल हीट लिबरेटेड व्हेन ग्रेफाइट इज बर्न्ड वुड बी मोर। मींस व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एनी सॉलिड बीइंग यूज्ड एनी केमिकल रिएक्शन, द change in enthalpy or the heat liberated or heat absorbed during the process also change. That's why we used to say, while writing thermochemical equation, it's mandatory, it's compulsory to mention the allotropic form if it exists for any solid. Yadi reaction mein koi solid appear ho raha hai और उस सॉलिड के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, तो उसका एलोट्रोपिक फॉर्म मेंशन करना कंपलसरी होता है, इधर ब्रैकेट में S और कॉमा करके एलोट्रोपिक फॉर्म लिख दिया जाता है। यदि हमको कार्बन को मेंशन करना है तो हम इस तरह से करेंगे, कार्बन इन सॉलिड एंड ग्रेफाइट स्टेट विथ ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट to give you CO2 in gaseous state. Now, this is a better written thermochemical equation. यह thermochemical equation और बेहतर तरीके से लिखी गई है. इसमें carbon के साथ में यह mentioned है कि वह carbon solid state में है और graphite state में लिया गया है, और इसको गैसियस ऑक्सीजन के साथ में जलाया जा रहा है और वहां पर CO2 गैस बन रही है। हम इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद इस चैप्टर में देखेंगे इट्स एंथैल्पी चेंजेस -94 किलो कैलोरीज। नाउ दिस इज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन रिटन for combustion of graphite. This is thermochemical equation written for combustion of graphite. Now, what do this thermochemical equation suggest us? यह thermochemical equation से हमें क्या समझ में आता है? It suggests us that when one mole of graphite burns with one mole of oxygen, in order to give you one mole of carbon dioxide, the heat would be liberated during this chemical reaction, and the amount of heat liberated is 94 kilocalories. This is the enthalpy change associated with this reaction, associated with this representation. हम एंथैल्पी चेंज के साथ जो नेगेटिव साइन लगा रहे हैं,
This negative sign simply tells us that it's an exothermic reaction and the heat is liberated during this reaction. Beside that, this minus sign has got no other implications. Hum thermochemistry mein delta H1 is minus 94, delta H2 is minus 96. अब इधर हम थर्मोकेमिस्ट्री में माइनस 94 इज ग्रेटर देन माइनस 96 ऐसा कंपैरिजन कभी नहीं करेंगे. माइनस 94 इज ग्रेटर देन माइनस 96 ऐसा कंपैरिजन कभी नहीं करेंगे. हम सिंपली ये कहेंगे कि माइनस साइन का सिंपल सा मतलब है कि दोनों ही फिनोमेना में, दोनों ही रिएक्शन में हीट लिबरेट हो रही है. वो डेल्टा एच वन माइनस 94 मतलब in this phenomena 94 calories of heat is being liberated, or minus 96 ka matlab hai during this phenomena 96 calories of heat is being liberated. Heat liberated is definitely more in this case and less in this case. Hum kehte hain is minus sign ka to sirf yaha matlab hota hai ki wah reaction exothermic hai. यदि इसकी जगह पर प्लस साइन लिख दिया जाता तो उसका यह मतलब होता कि वह एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उस रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी. एंड दिस गिव्स अस द मैग्नीट्यूड अलोंग विथ यूनिट. द हीट लिबरेटेड इज 94 किलो कैलोरीज. अब If I say if 1 gram of graphite burns, can you tell me how thermodynamic change should be mentioned and written? If 1 gram of graphite is burnt, if 1 gram of graphite is burnt, ऐसी condition में observe this thermochemical equation. इस thermochemical equation को observe करो. और इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद इसी समय लिखकर बताओ और साथ में बोलो भी कि यदि 1 ग्राम ग्रेफाइट को बर्न करा जाता तो जो थर्मोडायनामिक चेंज है उसे आप कैसे लिखोगे और क्या लिखोगे. कैसे लिखोगे खास बात. How would you write the thermodynamic change during this phenomena? मैं इधर difference बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना. Delta H हमेशा reaction के साथ में associated होता है, reaction के साथ में लिखा जाता है. मगर अब हम कोई reaction नहीं बात कर रहे हैं, हम phenomena की बात. इस जगह पर इस फिनोमेना में अभी हमने 1 ग्राम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, कल हम 2 ग्राम ग्रेफाइट की बात करेंगे, परसों हम 10 ग्राम ग्रेफाइट की बात करेंगे, हम कितना भी ग्राम ग्रेफाइट की बात कर सकते हैं. जब इस तरह से कोई रैंडम फिनोमेना होता है तो डेल्टा एच साइन का इस्तेमाल नहीं होता है, फिर हम इस्तेमाल करते हैं डेल्टा क्यू, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. अब When 1 gram of graphite is burnt, once again यह एक exothermic process है. इस exothermic process को communicate करने के लिए हम negative sign लगाएंगे. अब
डेल्टा क्यू मस्ट बी नेगेटिव वैल्यू, मींस हीट मस्ट बी लिबरेटेड, मींस इट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अब कितनी हीट लिबरेट होगी? हम कहते हैं 94 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज लिबरेटेड व्हेन वन मोल ऑफ ग्रेफाइट इज बर्नड. 94 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज लिबरेटेड व्हेन वन मोल ऑफ ग्रेफाइट इज बर्नड, मींस व्हेन 12 ग्राम्स ऑफ ग्रेफाइट इज बर्नड, हीट लिबरेटेड इज 94 किलो कैलोरीज. व्हेन 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट वुड बी बर्नड, द हीट लिबरेटेड वुड बी 94 अपॉन 12 किलो कैलोरीज. अब मैं जो समझाना चाहता हूं, डेल्टा क्यू जिसे हमने कहा है हीट ट्रांसफर्ड, यह किसी भी प्रोसेस, किसी भी फिनामना के लिए, किसी भी रैंडम कंडीशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है, मगर एंथैल्पी, यह जो टर्म है, यह जो नोटेशन है, इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, विथ अ पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन. हम कहते हैं फिक्स इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की यह वैल्यू है, जिसमें हम कह रहे हैं एक मोल ग्रेफाइट और एक मोल ऑक्सीजन, यह दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं और वहां पर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है, तब उस रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज, इट्स -94 किलो कैलोरीज. यदि मैं इधर 10 ग्राम कर दूंगा तो 10 ग्राम के लिए डेल्टा एच नहीं लिखा जाएगा, 10 ग्राम के लिए लिखा जाएगा डेल्टा क्यू, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 94 बाय 12 इनटू 10 किलो कैलोरीज. ये जो डेल्टा क्यू है किसी भी अमाउंट, किसी भी कंडीशन, किसी भी प्रोसेस के लिए हो सकता है, मगर एंथैल्पी हमेशा एक फिक्स रिएक्शन के लिए होती है. नाउ दिस इज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन. नाउ वंस अगेन, इज इट अ कंप्लीट और अ फिनिश्ड केमिकल थर्मोकेमिकल इक्वेशन? नो, नॉट येट. अभी भी यह थर्मोकेमिकल इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी इसमें एक कमी बाकी है. एस आई टोल्ड यू, द थर्मोडायनामिक चेंज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर. किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो थर्मोडायनामिक चेंज होता है वह टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर के बदल जाने से डेल्टा एच की वैल्यू बदल जाती है, प्रेशर के बदल जाने से डेल्टा एच की वैल्यू बदल जाती है. नाउ इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर दैट वेरिएशन, वी यूज टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एम्बियंट कंडीशन. हम स्टैंडर्ड एम्बियंट कंडीशन डिफाइन करते हैं. स्टैंडर्ड एम्बियंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. Now, this condition is prescribed by IUPAC in order to carry any experimentation. This condition must be maintained in all the laboratories while carrying experimentation. यह जो condition है IUPAC ने prescribe करी हुई है. IUPAC ने कहा हुआ है कि जहां कहीं पर भी laboratory बनाई जाए तो उस लेबोरेटरी में टेम्परेचर कंडीशन हमेशा होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कंडीशन होना चाहिए 1 atm. although I could rarely find this condition in any laboratory, इस कंडीशन को
लेबोरेटरी में मेंटेन करने के लिए इट शुड बी डेफिनेटली एयर कंडीशन्ड, मगर मैंने तो आज तक कोई सी भी स्कूल की लेबोरेटरी एयर कंडीशन्ड इस तरीके से नहीं देखी हुई है जहां पर वाकई में 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होता हो और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेंटेन होता हो। बट दिस आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हर एक लेबोरेटरी में यह स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करी जानी चाहिए। इट शुड बी एयर कंडीशन एंड द टेम्परेचर मेंटेन्ड इन द लेबोरेटरी मस्ट बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर मेंटेन्ड इन द लेबोरेटरी मस्ट बी 1 एटमॉस्फेयर। इस कंडीशन को हम स्टैंडर्ड एम्बिएंट कंडीशन कहते हैं। हम कहते हैं कि कोई सा भी एक्सपेरिमेंट यदि हम कैरी करें, कोई से भी रिजल्ट यदि हम देखें, तो हमेशा इस कंडीशन पर देखें और इसी कंडीशन पर हम रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करें। हम कहते हैं द एंथैल्पी डिटरमाइंड एट दिस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट्स डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट, एंड दिस डेल्टा एच नॉट इज रेड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन विच इज डिटरमाइंड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट्स डिटरमाइंड एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के स्टैंडर्ड कंडीशन पर इसे डिटरमाइन करा गया है। यदि सिर्फ डेल्टा एच लिखा हुआ है, सिर्फ डेल्टा एच लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा एंथैल्पी चेंज इज डिटरमाइंड एट एनी रैंडम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज एंथैल्पी चेंज रैंडम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिर्फ डेल्टा एच लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि ये जो एंथैल्पी चेंज है ये किसी भी टेम्परेचर प्रेशर, और वहां पर फिर वो टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन कर दिया जाएगा। बट यदि वहां पर डेल्टा एच नॉट लिखा हुआ है तो डेल्टा एच नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, मींस दैट एंथैल्पी चेंज इज मेजर्ड, दैट एंथैल्पी चेंज इज डिटरमाइंड एट दिस कंडीशन ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फियर प्रेशर। अब इधर मैं एक बात और बता देता हूं, हमेशा हम इतना लंबा लंबा नहीं बोलते स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, हर बार हम इतना लंबा लंबा नहीं बोलेंगे, हम इसको छोटा सा कर देते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जब भी हम कहते हैं, जब भी प्रॉब्लम में लिखा है, जब भी मैं बोल रहा हूं, मैंने यदि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का बाय डिफॉल्ट आप यही मतलब निकालोगे दैट एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। यदि मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो उसी समय आप अपने दिमाग में पिक्चर क्या बनाओगे, द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द रिएक्शन। इट ऑलवेज मीन्स चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द रिएक्शन। इट मीन्स डेल्टा एच विच इज इक्वल टू the summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant।
This is the meaning of enthalpy of reaction. And this is how we write any thermochemical equation. किसी भी thermochemical equation को लिखने का यह तरीका होता है. मैंने आज thermochemical equation लिखने का सिर्फ एक तरीका बताया है. Enthalpy शब्द को समझाया है, इसको introduce करा है. हम और भी further elaborate में detail में समझेंगे इसी thermochemistry के बारे में अगले lecture में. इतना ही. Goodbye. Good night. Bye bye. Good night.